बिहाग भजन त्यों जिन लाए जीह में जो जले जिन लाए जीव मुंहिंजो जले सही सजण वेरा लदे। ठीकु आहे, विहाग राग के इस विरह के भजन में परम आदरणीय सतगुरु महाराज जी प्रेमियों को, सत्संगियों को, संतों को बता रहे हैं कि वह जो सतपुरुष योगी सज्जन जिनके सिवाय मेरे हृदय में उथल पुथल है, मेरा हृदय विरह में जल रहा है, वे योगी यहाँ से चले गए। सही सजन वेराल रे, जिन्होंने मुझे प्रेम का प्याला पिलाया। जिन थे दिन्यू मु डातड़ियों, तिन लय रुआ थी रात्रियों। अंजलि भर भर के
मुझे जिन्होंने प्रेम का जाम पिलाया, अब उनके सिवाय बस रातों को मैं रोती रहती हूँ, क्योंकि देखते ही देखते पता नहीं वो कहाँ चले गए, अंतर ध्यान हो गए और अपने दर्शनों से वंचित करके दुखों के पहाड़ मेरे लिए छोड़ गए। से पाए जोगी झातड़ियों गूंदर व्या मुय खे गले, दुखों में मुझे छोड़ के चले गए, जिन लाए दिल दाहू करे से ही व्या हुए खा परे। जिनके लिए मेरा हृदय रो रहा है, विलाप कर रहा है, वे बहुत दूर चले गए, हुए माना धरती, धरती से बहुत दूर चले गए, पृथ्वी लोक से बहुत दूर चले गए, आंखों से ओझल हो गए, मैं उनके दर्शन के लिए मर रही हूँ। तिनजे मिलण लाए थी मरे, ईंदा कदह मुझे तरे, कब वो मेरे आंगन में मेरे दरवाजे पे आएंगे, दर्शन देंगे, मैं इसी आशा में दरवाजे की तरफ देखती रहती हूँ। जिन लय घुमेस सारी लका, सारे संसार में मैंने उनको ढूंढा, दर दर पे खादम धका, हर दरवाजे पे मैंने उनको जाकर के टटोला, कहाँ मिलेंगे, लेकिन घायल लभे गुरजी नका, वो तो उनके तो दर्शन मुझे नहीं हुए, लेकिन उन संतों के वचनों के बाण जने लगे, जो उनके विछोह में तड़प रहा हो, ऐसा भी कोई मुझे संसार में नहीं मिला, क्योंकि बहुत विरले मनुष्य ही उन संत महापुरुषों को याद करते हैं, बाकी संसार में फिर मस्त हो जाते हैं। तो अंतर ध्यान हो गए, गायल लभे गुर जी नका, मड़ियूं मकान व्या छड़े, अपने स्थान छोड़ के, मढ़ी मंदिर छोड़ के वो अंतर ध्यान हो गए। जिन जे डिठम मुँह में मणिया, तिन जा अखर पढ़ियो पढ़ा, जिनके चेहरे में ऐसा तेज चमक है, कांति है, आभा है, उनके मुख को देख के, मुखमंडल को देख के मन में प्रसन्नता होती है, उन सत्पुरुषों की लिखी हुई वाणी पढ़ पढ़ के मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। टेऊं डिठा सिज खां सुहिणा, सूर्य से भी को ज्यादा तेजस्वी हैं, आसन अखियुनि में व्या अरे, मेरे नेत्रों में हमेशा ही उनका निवास है, अंतर के नेत्रों में मैं उन्हें देखता रहता हूँ। तो इस भजन में विरह की अवस्था का वर्णन आचार्य सद्गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा किया।